हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है लिनोवो आइडियापैड लैपटॉप का एसी पावर एडाप्टर, जो कि फ्रेंड्स लैपटॉप चार्ज नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स इसकी पिन जो है अभी वो भी पहले से चेंज की हुई है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लेता हूँ और एक बार इसके आउटपुट को चेक करके देखता हूँ क्या आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक मल्टीमीटर ले लिया है और इसकी आउटपुट पिन को यहाँ पे चेक करके देखता हूँ, तो कोई भी वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। दोबारा चेक कर लेता हूँ, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स हमें इस अडेप्टर को यहाँ पे रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा इसको। फ्रेंड्स हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके थ्रू भी नहीं होता तो हम यहाँ पे इसको जो इसका सेपरेटिंग पॉइंट है इसको यहाँ पे ब्लेड की हेल्प से हमें काटना पड़ेगा। तो मैं फाइनली इसको यहाँ पे काट करके और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली अलग हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको फिजिकली चेक करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, ये जो अडैप्टर होते हैं इनमें मोस्टली प्रॉब्लम माइनर ही होती हैं, क्योंकि इनमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई कंपोनेंट बस्ट हो जाता है या कोई शॉर्ट हो जाता है, उनको अलग करके हम यहाँ पे इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं इनका टर्मिनल आ रहा है, यहाँ पे आप एक थोड़ी सी मुझे फिजिकली डैमेज यहाँ पे शो हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार फ्रेंड्स मैं मल्टीमीटर की हेल्प से यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये वाकई मुझको सिर्फ शो ही हो रही है या असल में है भी। तो मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर ले लिया है और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स वाकई में यहाँ पे ये जो फिजिकली डैमेज है, ये पाथ यहाँ पे ब्रेक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन ले लेते हैं और उसकी हेल्प से इस पाथ को यहाँ पे ओके कर देते हैं, जो भी ब्रेक है उसको दूर कर देते हैं। पाथ ओके हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स, और ओके करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको दोबारा से मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल ओके हो गया है। और एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि इनपुट के जो टर्मिनल हैं क्या वो मेरे यहाँ पे रेक्टिफायर तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल ओके आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स इसको मैं सीरीज बोर्ड ले लेता हूँ और उसमें इसका प्लग इन कर देता हूँ और इसके आउटपुट पिन को लेकर के मल्टीमीटर की हेल्प से एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं 21 point something शो कर रहा है। दोबारा चेक कर लेता हूँ, 20.8। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये जो है 20 volt 2.25 ampere का अडेप्टर है, तो ये जो अब अडेप्टर ओके हो चुका है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। बाय बाय।